हेलो गाइस, मेरा नाम है वली। उम्मीद है आप लोग कैरियर से होंगे। अभी जो मैं लेके आया हूँ वो रौनक जी की वीडियो है, और पाकिस्तान के सेमीफाइनल जीतने के बाद की है। तो बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने तबसरा किया होगा और न्यूजीलैंड के ऊपर भी काफ़ी तबसरा किया होगा, वो देखने वाला है। अगर हम इनकी वीडियो देख लेते हैं तो समझ लें कि हमें सारा सीन समझ में आया था। बड़ी अच्छी इनकी एनालाइस होता है इसके ऊपर, बड़ा चटपटा एनालाइस होता है, एक तरह का हल्का सा रोस्ट भी होता है। चले देखते हैं रौनक जी की वीडियो, उसके बाद जो है हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन देंगे। देखो बॉस, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला था और आज के मुकाबले से ये डिसाइड हो गया कि वर्ल्ड कप में रनर अप कौन होने वाला है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक, देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड कप स्पेशल धनतरन। तो न्यूजीलैंड वालों, देखो हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। केन विलियमसन का तो मैं कमरे में पोस्टर भी लगाया हुआ है। न जाने कितने सालों से टीम इंडिया ने यही दुआ मांगी है कि अगर हमारी टीम न जीते तो हम न्यूजीलैंड को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बदले में अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तुम लोग वर्ल्ड कप खाली इसीलिए खेलते हो ना कि या तो इंडिया को बाहर कर दो या फिर खुद जाकर सेमीफाइनल या फाइनल में हार जाओ। मतलब समझ नहीं आता यार, काला टीका क्या? न्यूजीलैंड वाले तो पूरी ड्रेस काली पहनते हैं, फिर भी इतनी नजर कैसे लग जाती है तुम लोगों को? भाई पाकिस्तान वालों से थोड़ी किस्मत उधार ले लो। पहले दो मैच हारकर उनका कराची का बोर्डिंग पास छपने ही वाला था, लेकिन अब चौड़े में मेलबर्न जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उनको हम वहां पर मिलेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड वाले एक बार फिर से बिना वर्ल्ड कप के वापस लौटेंगे। तो देखो, शुरुआत तो बढ़िया हुई थी। जैसा कि हमने बोला था, टॉस जीतने वाली टीम सिडनी में बैटिंग ही लेती है। न्यूजीलैंड ने बिल्कुल वैसे ही किया। उसके बाद एक डाउट यह था कि फिन एलन शाहीन अफरीदी को कैसे खेलेंगे। उन्होंने एकदम ही बढ़िया शुरुआत दी और पहली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन शाहीन अफरीदी की फॉर्म वापस आने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि अब उनको पहले ओवर में विकेट मिलने शुरू हो गए हैं। फिन एलन आउट हुए तो न्यूजीलैंड वालों ने कॉनवे पर फोकस किया, लेकिन उनसे ज्यादा कॉनवे के विकेट पर मोहम्मद शादाब फोकस कर चुके थे। उनके एक डायरेक्ट थ्रो ने कॉनवे की पारी खत्म कर दी, और फिर जब ग्लेन फिलिप्स भी मोहम्मद नवाज को कैच दे बैठे तो फिर पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर आ चुका था। पहले 10 ओवर में उन्होंने अपना एक पैर फाइनल में रख दिया था। उनके गेंदबाज रन नहीं दे रहे थे और बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी फील्डिंग अचानक से गंगाधर से शक्तिमान हो गई थी, और 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 3 विकेट खोकर 6 का रन रेट भी हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड ने फाइट बैक करना चालू किया। डेरिल मिशेल और केन विलियमसन के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई, खासकर मिशेल तो गेंद अच्छे से स्ट्राइक कर रहे थे। दोनों ने 68 की सॉलिड पार्टनरशिप कर ली थी, और एक ऐसे वक्त पर जब लग रहा था कि न्यूजीलैंड लॉन्च करेगी, वहीं पर शाहीन अफरीदी ने वापस आकर कप्तान केन विलियमसन को 46 पर रोक दिया। इसके बाद डेरिल मिशेल और जिमी नीशम ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन समझ नहीं आया कि पाकिस्तान वाले बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे या न्यूजीलैंड वाले खेलना भूल गए थे। आखिरी 5 ओवर में न्यूजीलैंड सिर्फ 2 बाउंड्री लगा पाया, और इस वजह से पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 152 पर रोकने में कामयाब हो गया। अब देखो, अगर आज सुबह आपने माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करके उस पर हमारी वाली टीम बनाई होगी ना, तो मुबारक हो, महिंद्रा थार हो सकता है आपके घर पहुंच जाए, क्योंकि आपके भाई ने एक बार फिर अर्जुन की तरह मछली पर निशाना साधा है, सॉरी मछली की आंख पर, और अपनी माई 11 सर्कल ऐप टीम का कैप्टन हमने विलियमसन को बनाया था। क्रिकेट की अगर आप में भी इतनी पारखी नजर है तो भाई साहब क्या कर रहे हो, माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और अब 2 मुकाबले ही बाकी हैं जहां पर आपको थार जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर आज आपने इस ऐप को डाउनलोड किया तो 5,000 का ज्वाइनिंग बोनस आपका हो सकता है मेरे दोस्त। तो जल्दी से इसको डाउनलोड करो, वीडियो पे वापस आते हैं। अब देखो, 153 का टारगेट उतना बुरा भी नहीं था। ऊपर से ऐसे प्रेशर मुकाबलों में पहले बैटिंग कर लेना फायदे का सौदा साबित होता है, और उसके भी ऊपर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की दिक्कत है। मतलब ऐसा लग तो रहा था कि मुकाबला कड़क होगा, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म बाबर और रिजवान तड़े बैठे थे कि फॉर्म में कब वापस आना है। पूरे वर्ल्ड कप में फेल रहने के बाद फाइनली तेल लगा के डाबर का बल्ला चल गया बाबर का। बाबर ने अच्छी बैटिंग करी, इतने रन मिलाकर उन्होंने सुपर 12 के लीग मैचों में नहीं बनाए थे जितने यहां पर अकेले सेमीफाइनल में बना डाले। रिजवान के साथ T20 वर्ल्ड कप में तीसरी बार शतकीय साझेदारी करी, जो कि एक रिकॉर्ड है। 105 पर बाबर का विकेट गिरा, लेकिन तब तक पाकिस्तान की आधी टीम फाइनल खेलने मेलबर्न रवाना हो चुकी। बची खुची कसर सफेद लिपस्टिक लगाने वाले मोहम्मद रिजवान ने फॉर्म में आकर पूरी कर दी, जिन्होंने 43 में 57 बनाकर टॉप स्कोर किया। यहां पर भी न्यूजीलैंड ने थोड़े हाथ पांव मारने की कोशिश करी, लेकिन नया लड़का मोहम्मद हैरिस अपने साथ नई ऊर्जा लेकर आया है। 26 में 30 बनाकर पाकिस्तान को लास्ट ओवर में 7 विकेट रहते जीत दिलाई, और इस तरह पाकिस्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार किसी ICC इवेंट के फाइनल में पहुंचा है। अब कौन खेलेगा पाकिस्तान के साथ फाइनल, इसका फैसला कल होगा, और उस मैच का पूरा प्रीव्यू हम आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर लेकर आएंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल तो सब्सक्राइब करना ही, साथ में आपके लिए 2 बार और मौका आएगा महिंद्रा थार जीतने का, और 5,000 का ज्वाइनिंग बोनस अगर जीतना चाहते हो तो आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को आज ही डाउनलोड करना है, ठीक है? ये लिंक सिर्फ आज के लिए वैलिड है, बाकी कल मैच से पहले टीम बनाकर आपको बताएंगे, सेम टीम कॉपी करके मस्त कैश प्राइज भी जीत सकते हो।
और याद रखना दिस गेम इन ऑल्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिली एंड एट योर ओन रिस्क। जबरदस्त, अब जो मैच है वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा क्योंकि अब इंडिया इंशाल्लाह अगर जीत जाते हैं इंग्लैंड से तो फिर जो है टकराव बड़ा वैसा रहेगा, दोनों पड़ोसियों का टकराव, और यही लोग चाहते हैं कि भाई ये टकराव बना रहे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, चाहे पाकिस्तान जीते चाहे इंडिया जीते, कभी हर्ट नहीं कीजिएगा इस चीज़ को, यही आपकी मजबूती की अलामत है, यही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को मतलब समझ रहे, गेम को गेम ही रखना चाहिए। हाँ, अगर वर्ल्ड कप हाथ आ जाता है फिर तो हमें थोड़ा सा शोर मचाना चाहिए। वर्ल्ड कप एक असल में पूरी दुनिया पे एक स्टैंप है कि पूरी दुनिया को एक रिकग्निशन मिल जाता है वर्ल्ड कप जब हाथ में आता है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी जाता है। तो जब वर्ल्ड कप हाथ आ जाए तो सही है, लेकिन अगर हार हो जाए तो कभी इसको इतना महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हार गए तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम जीत लेंगे, और जीते हैं और ये तो चलता रहता है, फिर 5 साल बाद चलेगा, उसके 5 साल बाद चलेगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और बहुत सारे बीच में मैचेस आते जाएंगे इस दौरान, तो कभी भी इसको इतना सीरियस मत लीजिएगा, चाहे जीत हो चाहे हार हो। और अब तो सिर्फ पड़ोसियों का मामला रह गया, मतलब घर पे आ ही चुकी है, समझ रहे हैं, ट्रॉफी तो घर पे तकरीबन आ चुकी है, इंग्लैंड को तो यूँ हरा देगा इंडिया यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। इंडिया जितनी फॉर्म में चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड इसके सामने टिक पाएगा। खैर गाइस, देखते हैं क्या होता है आगे। आज है इसका फैसला कि सेमीफाइनल इंडिया जीतता है या इंग्लैंड, लेकिन मुझे पूरी इंडिया के लिए दुआ है कि इंडिया जीत जाए, और पूरी विश है और पूरी उम्मीद भी है। चलें फैस गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।